गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है होलो सैडल की। इससे पिछली वीडियो में हमने फ्लैट सैडल की पढ़ा था, आज जो है होलो सैडल की है। और इसका जो जितना भी डायमेंशन वगैरह है वो सब फ्लैट जैसी है, पिछली वीडियो जैसी सारा है। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ द शाफ्ट डी सेम रहेगा, जो कि हमने डी ले लिया 50। बी इज इक्वल टू डी अपॉन में 4, जो कि हम यहाँ पर 50/4 करते हैं और हमारे सामने जो वैल्यू आती है वो आती है 12.5, जिसको हम हर बार 12 लेते आए हैं। एच थिकनेस ऑफ द की, एच डी अपॉन में 12, जैसे ही हम 50/12 करते हैं तो हमारे सामने आता है 4.16। तो हम इसको हर बार कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, इसको 12 लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं लेंथ ऑफ द की, सेम फ्लैट की में मैं आपको बताना भूल गया था, यहां पर सेम वही है, सेम प्रोसीजर है, 1.4D टू 3D, इसके अंदर भी सेम है और यहां पर वहां पर भी सेम है, यानी कि 1.4 इंटू 50 करते हैं तो 70 और 3 से करते हैं गुना तो 150 आ जाएगा। यहां पर टेपर रेशियो सेम रहेगा। और की जो है ये है होलो सैडल की, और मैं इसके बारे में बात करूं फ्लैट सैडल की में और होलो सैडल की में क्या डिफरेंस है, यहां पर देखेंगे आप। तो ये मैंने आपका यहां पर 3D डायग्राम बना दिया है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे क्या है, हल्का सा कर्व है और इसके नीचे क्या है, फ्लैट है, सबसे पहला तो ये। दूसरा, इसके अंदर क्या है, जब हम किसी भी सर्कल से टच करते हैं तो वो एक सर्कल से टच होकर जाता है किसी एक पॉइंट से, ऐसे जैसे कि मैंने आपके सामने यहां पर ये डायग्राम बना दिया, तो वो एक पॉइंट से टच होकर जा रहा है। बट इस केस में क्या होगा कि जो हमारी की होगी वो हमारे शाफ्ट के सर्कल पर घूमेगी, कि कितना हमारा सर्कल है, तो उस सर्कल के हिसाब से। मान लीजिए कि डी 50 है तो यहां पर जो ये कर्व है ये भी आर, ये डाया 50 का बनेगा। अब यहां पर ये आता है क्वेश्चन कि सर हम इसको फिर कैसे बनाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें कुछ घबराना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, कंपास रखना, 50 का एक ले लेना है, ये लगा लिया आपने कर्व यहां से। अब कितना है b, कितना निकल के आया 12.5, इस सेंटर पॉइंट से क्या करना, 6 इधर 6 इधर लेते हैं, ये लाइन उठा देना ऐसे, बाकी का इतना पोर्शन जो है इरेज कर देना, आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रॉपर ये बन के आ जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, प्रोसीजर क्या था बनाने का। अब मैं आपको इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, सॉरी 2D डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये वाली की भी अप्लाई होती है हमारी शाफ्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिया साइड व्यू, और साइड व्यू के केस में हमने ये ले लिया। अब यहां पर क्या करना है, हमें की अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, की। तो यहां पर ये आ गया कितना है, 12.5, हम 12 ले रहे हैं, तो यहां से 6 इधर 6 इधर, हाइट कितनी है 4 है, तो 4 की आईटी उठाई, 4 की आईटी उठाई, ये लगा दिया, ये आ गया पोर्शन बिल्कुल फ्लैट, ये चीज आ गई, इसमें सॉलिड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए की आर्क बन गई। इससे पिछली वीडियो में फ्लैट की के अंदर क्या था, वो फ्लैट पोर्शन था, यानी कि इधर का कुछ गैप बचा हुआ था, इधर का कुछ बचा हुआ था, बट ये क्या है, कॉर्नर से कॉर्नर तक के पॉइंट टच हो चुके हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सेम रेफरेंस लाइन लेते हैं और यहां पर ये चीज सॉलिड पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया, ये रेफरेंस के केस में ये आ गया सारी चीज। यहां पर हमने शाफ्ट ले ली, अब शाफ्ट का डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर हम लेंथ जो है 70 ले रहे हैं तो 80 ले लेना या 100 ले लेना, जैसे हम हर बार लेते आए हैं, 100 mm मतलब 10 cm, ये ले लिया। अब हमें क्या करना, अगर हम साइड से की देखें तो ये दिखाई दे रही है, प्लस 1 mm का टेपर रेशियो भी है, तो हमें क्या करना है, सेंटर से, जैसे सेंटर से लेते हैं 70 लेते हैं तो 35 इधर 35 इधर, एच कितना आया है हमारे सामने 4, तो यहां पर मान लीजिए हमने 4 ले लिया और अपोजिट साइड हमने ले लिया 3, बस इसको टेपर वे में मिला देना, इसको 1 mm नीचे से आ जाएगी, 1 mm नीचे से नहीं आएगी, इसके सामने जहां से ये पॉइंट है वहां से आएगी, जहां से हमारा ये जो है ना सेडल की, जहां से ये कॉर्नर पॉइंट मिला हुआ है, तो यहां से इसके फ्लैट पोर्शन पे ये आ जाएगा और बाकी के रिमेनिंग पोर्शन को हम हिडन में दिखा देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी नॉर्मल की, जैसे आपके सामने है, कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे क्या आने वाला है। आज तक नॉर्मल हम डायग्राम पढ़ रहे थे फ्लैट की और सैडल की, आज के बाद जो हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है कॉटर। अभी तक हमने सब पढ़ा की एंड कॉटर, इस चैप्टर का नाम है की एंड कॉटर, अभी तक जितने टाइप की थी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉटर। ये क्या है, ये किसी भी दो शाफ्ट के बीच में डल जाता है और उसको परमानेंटली होल्ड कर देता है। याद रहे इसका 3D डायग्राम भी बड़ा खतरनाक है और इसका 2D भी, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कोशिश करेंगे हम अच्छे से, मैं प्रॉपर ड्राफ्टर की मदद से बनाने की कोशिश करूंगा, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमें वो बनाना है। पर याद रहे
प्रैक्टिस मस्ट है, जितना आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। और जैसा कि अभी तक राज सर ने अपने चैनल पे पहली वीडियो में कहा है कि जितना भी हमारा एग्जाम है, HSBT का जो एग्जाम है अब की बार का, वो ऑफलाइन है। 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन है। दूसरी चीज, कब होंगे वो अभी पता नहीं है, या जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कब होते हैं वो कोविड के वजह से अभी थोड़ा डिले है। तो जब भी होगा अच्छे से आपको तैयारी करना और अच्छे से एग्जाम देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।